हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी मुजफ्फरपुर। हेयर आई एम शिमांशु कुमार, परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड नाउ अ फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन पाठशाला आईआईटी जेई मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th। इन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So in the both previous lectures, we all have discussed about these two topics, that what is chemical reaction and what is chemical equations, how do we write a chemical equation and what is the necessity of writing a chemical equation, right? And what are the characteristics of chemical reaction, how do we come to know that the reaction has been completed or is going on. तो ये सब चीज़ हम लोग previous lectures में देख चुके थे, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा वो fall back करे और lecture number 1 और lecture number 2 देखे। So in the upcoming lectures we gonna learn about balancing of chemical reactions, types of chemical reactions and effect of oxidation reaction in everyday life. So moving forward, today's topic is balancing a chemical reaction. What is the need of balancing a chemical reaction? What should happen if we leave a chemical reaction unbalanced? So according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. तो जो conservation of mass का law है वो हमें क्या कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed, यानी mass को हम खुद से क्रिएट ना कर सकते हैं और ना ही हम खुद से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में उसका मास ना तो कहीं क्रिएट होगा और ना ही कहीं डिस्ट्रॉय होगा, यानी जो इनिशियल मास था वो एज इक्वल एज रह जाएगा फाइनल मास के। फिर क्या बोला, नो एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। तो कोई भी एटम हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही किसी एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके बीच में ना तो किसी मास का लॉस होगा और ना ही कोई नया मास बनेगा, एज वेल एज ना तो कोई नया एटम कहीं से आएगा और ना ही कोई एटम उस केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होगा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी इक्वल नंबर्स ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड। यानी प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों में जो एटम्स और एलिमेंट्स थे उन दोनों का नंबर हमेशा सेम रहेगा। द नेक्स्ट इज, इन अदर वर्ड, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उस प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा रिएक्टेंट के टोटल मास के। समझ में आ रहा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो उस रिएक्शन के दौरान ना तो किसी मास का और ना ही किसी एटम का लॉस होगा और ना ही कोई मास और कोई नया एटम उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल मास था ओवरऑल एलिमेंट्स का और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा उस दोनों का मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही क्या कहता है हमको, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो डू वी गेट आइडिया दैट व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इफ वी डू नॉट बैलेंस द केमिकल रिएक्शन देन द मास ऑफ रिएक्टेंट which should not be equal to the mass of product. Got my point? So the next is balance the chemical equations. The chemical equation in which the number of atom of each element in the reactant side is equal to the product side is called a balanced chemical reaction. तो वैसा chemical equation जिसमें reactant side में जितना number of atom मौजूद होगा, यानी उस overall reaction में जो भी reactant part ले रहे होंगे, जो भी reactant होंगे उस reaction के, उसमें जितना number of atom होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसके नंबर ऑफ एटम्स के। दैट मींस नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। सो देयर इज नीड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, एंड व्हेन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट देन दैट इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। Steps to balance a chemical equation. The first step is write down the chemical reaction in the form of word equation, keeping the reactant on the left side and product on the right side. तो सबसे पहले जो भी chemical reaction होता है, जो word form में होता है, उसको हम क्या करेंगे? Symbolic form में एक equation के form में लिखेंगे, जिसमें जो अपने reactant होंगे, उसको अपन left side में लिखेंगे और जो अपने product होंगे, उसको अपन right side में लिखेंगे. The next step is balance the chemical equation by multiplying the symbol and formulae by the smallest possible figures. Do not change the formula to balance the equation.
सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन ईच साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. तो किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर इनिशियली वो अनबैलेंस्ड है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड. सो टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन वी मस्ट मल्टीप्लाई द सिंबल एंड फॉर्मूले बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स. यानी कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो सिंबल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स वो मिलकर रिएक्शन बन रहा होता है, जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसमें हम किसी भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डू नॉट चेंज द फॉर्मूले टू बैलेंस द इक्वेशन. हमने क्या करना है, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होंगे, मान लो किसी रिएक्टेंट में एलिमेंट्स ए है और ये ए प्लस बी मिलकर बनाया सी प्लस डी, तो हम इस ए और बी या सी या डी इन चारों में से किसी के भी मॉलिकुलर फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, यानी उसके मॉलिकुलर फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे. बट यस, वी विल मल्टीप्लाई अ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर टू मेक इट बैलेंस्ड, राइट. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन सबों के जो एलिमेंट्स होंगे या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में किसी स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर सकते हैं, बट उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी उसके फॉर्मूले को अपन चेंज नहीं कर सकते. और ऐसा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन ईच साइड्स, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में कैसे हो जाएंगे, इक्वल. तो समझ में आ गया कौन कौन सा दूसरा स्टेप करना है. मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद उसके मॉलिकुलर फॉर्मूले को बिना डीकन्फिगर किए हुए हमको किसी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सेम कर देना. समझ में आ गया कैसे करना है बैलेंसिंग इक्वेशन का. सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. सो टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन वी फर्स्ट अप्लाई हीट एंड ट्रायल मेथड टू मेक इट बैलेंस. अकॉर्डिंग टू मी आई यूजुअली प्रोसेसेस दीज फोर स्टेप्स टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन. First, I balance metal, then we will balance non-metal, then oxygen, and at the last of the balancing, we will balance hydrogen. Right? So, किसी भी chemical reaction को balance करने के लिए हम इस formula का use कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जल्दी balance हो जाएगा. So, it is the best trick according to me to balance any chemical reaction. Got my point? सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी chemical reaction होगा उसके metal को balance करेंगे. जब metal balance हो जाएगा तो फिर non-metal को balance करेंगे. जब नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे तो फिर से एक बार मेटल के बैलेंसिंग को देखेंगे कि ये बिगड़ा या फिर नहीं बिगड़ा. उसके बाद अपन ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे. फिर जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो फिर से इस दोनों के बैलेंसिंग को देखेंगे कि ये बिगड़ा या फिर एज इक्वल टू इनिशियल है. फिर ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर से इनिशियली इस तीनों को फिर से देखेंगे कि ये तीनों बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड हो गया. गेट माई पॉइंट? सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस गोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ, सॉरी इट्स गैस, अ मिस्टेक, दैट वाज, इट इज गैस. ओके, तो रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है अपने पास, रिएक्टेंट साइड में है कार्बन ऑक्सीजन और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या बना रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने में हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखें तो किसी भी एलिमेंट का हमको स्टेट बताना बहुत जरूरी है. इससे क्या होगा, मेरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, राइट. सो व्हेनेवर वी विल राइट एनी केमिकल इक्वेशन वी विल मेंशन द स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट. गेट माय पॉइंट? सो इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज टू कंबाइंस टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड. इनिशियली इन द रिएक्टेंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज 1 एंड इन द प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ एटम इन कार्बन इज ऑल्सो 1. सबसे पहले स्टेप में आते हैं, तो हम लोग का पहला स्टेप क्या था, अपने को मेटल को बैलेंस करना था. तो इसमें मेटल कौन है, कार्बन. तो इधर रिएक्टेंट में भी कार्बन का संख्या कितना है, 1, तो कार्बन का संख्या हुआ 1. और प्रोडक्ट में भी कार्बन का संख्या कितना है, 1. ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन का संख्या हुआ 1. समझ में आ गया. अब आते हैं, मेटल तो बैलेंस हो गया, अब आते हैं नॉन मेटल पे. नॉन मेटल कौन कौन सा है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1. ये तो गड़बड़ हो गया. तो हम क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे. इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हम इनिशियली क्या बोले थे, जैसे ही हम दूसरे को बैलेंस करेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट वाले बैलेंस पे जाएंगे और देखेंगे कि ये बैलेंस बिगड़ा या सेम है. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया,
अब क्या करेंगे हम, फिर से मेटल देखेंगे यानी कार्बन को देखेंगे। तो अब क्या देखो, यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो क्या करेंगे हम, फिर से रिएक्टेंट में इस कार्बन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना कार्बन हो गया, 2 इधर कार्बन, 2 इधर कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। सबको समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। सो इन रिएक्टेंट देयर आर 2 एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, द सेकंड वन इज ऑक्सीजन, एंड इन प्रोडक्ट देयर वी विल ऑब्टेन अ वाटर। तो यहाँ देखो, जो हम केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, उस केमिकल इक्वेशन में हमने सारे एलिमेंट्स का स्टेट ही बताया है। इससे क्या होता है, अभी जस्ट हम बोले इससे क्या होगा, हमारा केमिकल इक्वेशन बहुत ही एफिशिएंट लगेगा, यानी बहुत ही पावरफुल दिखेगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। सॉरी, देयर इज नो मेटल इन दिस इक्वेशन, सो फॉरगेट द मेटल वन, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन मेटल। अब किसको करेंगे, अपन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो इधर देखो हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, और इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2, 2। ठीक है, अब आते हैं फिर ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, ऑक्सीजन है भैया तुमको रिएक्टेंट में 2। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, हमने इसको बैलेंस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, राइट। सो इनिशियली तो ऑक्सीजन का संख्या कितना था, 2, और इधर कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2, हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट डिजिट से पहले देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा, 2। 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। फिर से आते हैं रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का संख्या 2, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या सिर्फ 2 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये कितना हो गया, 4 4 2 और 2। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया पक्का। सो अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Na इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस रिएक्ट्स टूगेदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड, दैट इज सॉल्ट। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट स्टेप। आवर फर्स्ट स्टेप वॉज बैलेंसिंग अ मेटल। सो द मेटल इज सोडियम एंड हियर इट इज ऑल्सो सोडियम। तो रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, 1, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1। तो ये तो बैलेंस्ड है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कितना है, क्लोरीन 2, और प्रोडक्ट में 1। तो क्लोरीन रिएक्टेंट में है 2, और प्रोडक्ट में 1, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2, और रिएक्टेंट में क्लोरीन 2। ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन हम फिर बता रहे हैं जब नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे तो वापस से अपन मेटल को चेक करेंगे कि यह बैलेंस है या फिर बिगड़ गया। तो अब देखो क्या हुआ, इधर मेटल का संख्या 2 हो गया और इधर मेटल 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और हैव वी गेट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। गेट माय पॉइंट, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज CH4 इन द फॉर्म ऑफ गैस रिएक्टेंट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इन द रिएक्टेंट साइड देयर इज मीथेन एंड ऑक्सीजन, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो चलते हैं अपने पहले स्टेट पे। तो मेरा पहला स्टेट क्या था, बैलेंसिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन जो मेटल है उसको बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, कार्बन है 1, और प्रोडक्ट साइड में भी है 1, ये बैलेंस है। अब चलते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल सबसे पहले कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4, राइट, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। तो वी विल मल्टीप्लाई 2 टू गेट 4। ओके, सो नाउ इन प्रोडक्ट साइड देयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4, एज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, दैट इज 4। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इज 2, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड इज 2 + 2, दैट इज 4। सो इन द रिएक्टेंट साइड वी विल मल्टीप्लाई 2 टू गेट 4। सो नाउ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑल इज बैलेंस्ड, सो दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस्ड। समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं बैलेंसिंग पक्का। एक बार ओवरव्यू देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे तो वापस से मेटल को चेक करेंगे यह बैलेंस हुआ या नहीं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो फिर से दोनों को चेक करेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं। सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे मेटल को बैलेंस किए थे, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करा, फिर क्या करा, हाइड्रोजन को बैलेंस करा। समझ में आ रहा सबको पक्का कैसे करते हैं बैलेंसिंग हो जाएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल, यू ऑल हैव टू बैलेंस ऑल दीज 5 रिएक्शंस एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स।
तुम लोग क्या करो, इस पांचों को बैलेंस करो और इस सबका बैलेंस इक्वेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं चेक कर दूंगा। समझ में आ रहा सबको पक्का? और हाँ, जब भी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो तो सबका नाम जरूर लिखना कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, सबका नाम लिख के फिर तुमको मैसेज करना है। ऐसे नहीं कि सीधे बैलेंस कर दिए। समझ में आ रहा सबको पक्का? तो ये रहा तुम लोग का होमवर्क। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन विच द फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स एंड गुड लक।